नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा, और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार उपचुनाव, 4 सीटों पर वोटिंग, 38 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर, कड़ी सुरक्षा में की जा रही है वोटिंग। पीएम मोदी ने बिहार में दूसरे एम्स की रखी आधारशिला, दरभंगा बाईपास स्टेशन और रेल लाइन का उद्घाटन, नीतीश कुमार ने एम्स निर्माण की बताई अहमियत। दोनों डिप्टी सीएम ने किया सोनपुर मेले का उद्घाटन, 14 दिसंबर तक जारी रहेगा सोनपुर मेला, विदेशी पर्यटकों को मिलेगी 5-स्टार जैसी सुविधा। अक्षरा सिंह को आए धमकी भरे फोन, अभिनेत्री ने थाने में दर्ज कराया मामला, दानापुर पुलिस कर रही है मामले की जांच। और आज के दिन रोहित के बल्ले ने मचाया था हल्ला, रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से ठोके थे 264 रन, आज तक कोई भी नहीं तोड़ सका ये रिकॉर्ड। अब खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने सोनपुर मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर बॉलीवुड पार्श्व गायक ऐश्वर्य निगम और गायिका दीपाली सहाय की टीम की सांस्कृतिक कार्यक्रम ने सभी का मन मोह लिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने सोनपुर मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर बॉलीवुड पार्श्व गायक ऐश्वर्य निगम और गायिका दीपाली सहाय की टीम के सांस्कृतिक कार्यक्रम ने सभी का मन मोह लिया। बता दें, ये मेला 14 दिसंबर तक चलेगा। इस बार इस मेले में विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष स्विस कॉटेज बनाए गए हैं, जिनमें 5-स्टार होटल जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा पर्यटन विभाग ने पर्यटकों के लिए विभिन्न टूर पैकेज भी तैयार किए हैं, जिनमें एक दिवसीय और फैमिली टूर पैकेज शामिल है। अगर आप सोनपुर मेला में जाने का प्लान बना रहे हैं तो टूर पैकेज के बारे में अधिक जानकारी बिहार पर्यटन निगम की वेबसाइट www.bstdc.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। मधुबनी जिले के बाबूबरही प्रखंड स्थित पिपराघाट में 14 नवंबर से 5 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा मेला शुरू होगा। पिपराघाट को मिथिला का त्रिवेणी कहा जाता है, क्योंकि यहां कमला, बलान और सोन नदियों का संगम है। मेले का समापन 18 नवंबर को होगा। बाबूबरही के बीडीओ राधा रमन मुरारी ने बताया कि मेले की तैयारियां अंतिम चरण में है और इसके शांतिपूर्वक आयोजन के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। एक समीक्षा बैठक के बाद मेला क्षेत्र में वाच टावर, कंट्रोल रूम और सफाई अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। श्रद्धालु 15 नवंबर को त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे, साथ ही 18 नवंबर को प्रतिमा विसर्जन के साथ मेले का समापन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार के दूसरे एम्स की आधारशिला रखी। इसके साथ ही दरभंगा बाईपास स्टेशन और झंझारपुर से लौकहा तक रेल लाइन का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनमें कई रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। ये योजनाएं बिहार के विकास में अहम योगदान देंगी और इससे रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दरभंगा एम्स के निर्माण की अहमियत पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि शुरुआत में इस परियोजना को लेकर कई कठिनाइयां आई, लेकिन अब राज्य सरकार ने एम्स के निर्माण के लिए जरूरी कदम उठाए हैं और आज इसका आधारशिला रखा गया। बिहार के तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज सीट के विधानसभा उपचुनाव में दोपहर 3 बजे तक 45.3% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान रामगढ़ में हुआ है, जहां 3 बजे तक 47.73% वोट डाले जा चुके हैं। वहीं इमामगंज में 46.98 और बेलागंज में 43.81% मतदान दर्ज किया गया। तरारी सीट पर अब तक 42.7% वोटिंग हुई है। बताते चले कि इन उपचुनाव में कुल 12,02,063 मतदाता 38 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। बेटा स्थित एयरपोर्ट के रनवे के विस्तार के लिए 190.50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इस संबंध में बीते दिन पटना और बेटा एयरपोर्ट के विकास को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने की। बैठक में रनवे विस्तार के लिए भूमि चयन पर चर्चा की गई और अगले सप्ताह तक भूमि का चयन पूरा होने की संभावना है।
इसके लिए एक बहुसदस्यीय टीम का गठन किया गया है जो भूमि का चिन्हीकरण करेगी। टीम की अध्यक्षता अपर समाहर्ता राजस्व अनिल कुमार कर रहे हैं। टीम को 2 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। रनवे की लंबाई 8,000 फीट से बढ़ाकर 12,000 फीट की जाएगी, जिसके लिए 400 मीटर लंबी और 1,500 मीटर चौड़ी भूमि की आवश्यकता होगी। बिहार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने राज्य में गंगा और उसके सहायक नदियों के किनारे बसे शहरों के लिए एक बड़ी पहल की घोषणा की है। इसके तहत कुल 945.45 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे गंगा के प्रदूषण को कम करने और इन शहरों में जल निकासी प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि दाऊदनगर, मोतिहारी, जमुई, सुपौल, रामनगर, नरकटियागंज, लखीसराय और रक्सौल जैसे शहरों में ये काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा पटना के आसपास इलाके जैसे बख्तियारपुर, फतुहा, कहलगांव, बढ़िया और भागलपुर में भी सीवेज नेटवर्क का काम जारी है और अगले महीने तक बख्तियारपुर, बेगूसराय और फतुहा में परियोजनाओं का निर्माण पूरा होने की संभावना जताई गई है। इधर भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने एक बेहद गंभीर आरोप लगाया है। अभिनेत्री ने दानापुर थाने में रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया है। उनका कहना है कि 11 नवंबर की रात उन्हें 2 अलग-अलग नंबरों से फोन आए थे, जिसमें गाली गलौज करते हुए 50 लाख रुपए की रंगदारी उनसे मांगी गई और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद दानापुर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार दोनों नंबरों की जाँच की जा रही है और मामलों की तफ्तीश जारी है। दानापुर के थानेदार ने भी इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि तफ्तीश पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। बिहार पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बच्चों और किशोरों से जुड़े मामलों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी, जबकि 7 साल से अधिक सजा वाले जघन्य अपराधों में ही नाबालिगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा बच्चों को शारीरिक दंड देने या लॉकअप में रखने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें बाल सुलभ वातावरण वाले कमरे में रखा जाएगा। बच्चों को निःशुल्क कानूनी सहायता भी प्रदान की जाएगी। बच्चों के देखरेख और संरक्षण के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई SJP का गठन भी किया गया है, जो DSP या उच्च रैंक के पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में काम करेगी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में एक SOP भी जारी की है। ED ने IAS संजीव हंस से जुड़े 3 प्रमुख आरोपियों को बीते शाम को गिरफ्तार कर लिया। इनमें सुरेश सिंगला, वरुण सिंगला और पवन कुमार शामिल हैं। ये लोग मातृ सर्वा कंस्ट्रक्शन कंपनी के माध्यम से करोड़ों रुपए की अवैध कमाई को अंजाम दे रहे थे। जांच में ये सामने आया कि इस कंपनी के खातों से संजीव हंस और अन्य अधिकारियों को भी पैसे ट्रांसफर किए गए। ED ने आरोपियों से सघन पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। देश भर में स्वयं ऑनलाइन कोर्सेज के तहत अहम बदलाव किए गए हैं। अब राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के अलावा विश्वविद्यालयों को भी इन कोर्सेज की परीक्षा आयोजित करने का अधिकार मिल गया है। इससे छात्रों को अधिक विकल्प मिलेंगे। वे NTA के माध्यम से या फिर अपने विश्वविद्यालय में ही आयोजित परीक्षा के जरिए परीक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा UGC ने च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत एक और अहम पहल की है। यदि कोई छात्र स्वयं के तहत कोई कोर्स करता है तो उसे 40% तक क्रेडिट ट्रांसफर का लाभ मिलेगा, बशर्ते उसका विश्वविद्यालय स्वयं कोर्सेज को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करता हो। देवोत्थान एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद मंगलवार से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो गई है। लगभग 4 महीने बाद बैंड बाजा और शहनाई की गूंज सुनाई देगी। चतुर्मास के कारण शादी ब्याह के कार्यक्रमों पर रोक लगी थी, जो अब 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक शुभ मुहूर्तों में संपन्न होंगे। मिथिला पंचांग के अनुसार नवंबर और दिसंबर में कुल 9 दिन शुभ मुहूर्त के तहत शादी ब्याह होंगे। बनारसी पंचांग के अनुसार इस अवधि में 18 दिन का शुभ मुहूर्त है। इन मुहूर्तों में बृहस्पति, शुक्र और सूर्य के शुभ प्रभाव से विवाह के बंधन की शुरुआत होगी। 16 नवंबर से विवाह समारोह की शुरुआत हो रही है और ये कार्यक्रम जो है 15 दिसंबर तक चलेंगे।
15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा मेले के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए पाटलिपुत्र और सोनपुर के बीच कई पैसेंजर मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। 05285 सोनपुर पाटलिपुत्र कार्तिक पूर्णिमा मेला स्पेशल 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा मेला के दौरान यात्रियों की सहूलियत के लिए पाटलिपुत्र और सोनपुर के बीच कई पैसेंजर मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। 05285 सोनपुर पाटलिपुत्र कार्तिक पूर्णिमा मेला स्पेशल ट्रेन 15 नवंबर को रात 10 बजे सोनपुर स्टेशन से खुलेगी। यह ट्रेन पहलजा घाट और दीघा ब्रिज हाल्ट पर रुकते हुए 1:50 पर पाटलिपुत्र पहुंचेगी। वापसी यात्रा के लिए 05286 पाटलिपुत्र सोनपुर मेला स्पेशल ट्रेन पाटलिपुत्र से 1:05 पर रवाना होगी और 1:50 पर सोनपुर पहुंचेगी। 05211 सोनपुर पाटलिपुत्र कार्तिक पूर्णिमा मेला स्पेशल इस दूसरी विशेष सेवा में 15 नवंबर को सोनपुर से ये ट्रेन 2:05 पर रवाना होगी। पहलजा घाट और दीघा ब्रिज हाल्ट पर रुकते हुए ये ट्रेन पाटलिपुत्र 2:45 पर पहुंचेगी। वापसी में श्रद्धालुओं के लिए 05212 पाटलिपुत्र सोनपुर स्पेशल ट्रेन 3:05 पर पाटलिपुत्र से रवाना होगी और 3:45 पर सोनपुर पहुंचेगी। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक और बिहार के लिए ऐतिहासिक परियोजना पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बारे में। मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद्र यादव ने सहरसा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस एक्सप्रेसवे के बारे में अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ये एक्सप्रेसवे बिहार के 7 जिलों को जोड़ते हुए बिहार के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से मिथिलांचल, कोसी, पूर्णिया और सीमांचल क्षेत्र के करोड़ों लोग लाभान्वित होंगे। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 282 किलोमीटर होगी और इसमें 6 लेन का विस्तार होगा। खास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे यात्रा की गति में भी बेहतरी आएगी। देश के सभी 19 नेक्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कैंपस, जिनमें पटना भी शामिल है, अब इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने ऐलान किया है कि 2025 तक निफ्ट के पाठ्यक्रम में AI और ब्लॉकचेन तकनीक को शामिल किया जाएगा। गिरिराज सिंह ने निफ्ट के छात्रों से कहा कि वे स्टार्टअप्स पर ध्यान केंद्रित करें और देश के यूनिकॉर्न इकोसिस्टम में योगदान करें। इसके साथ ही छात्रों से ये भी अपेक्षाएं की गई कि वे कपड़ा उद्योग को $167 बिलियन से बढ़ाकर $350 बिलियन तक पहुंचाने के लिए नए विचार और सुझाव देंगे। निफ्ट पटना में जल्द ही फाइबर टू फैब्रिक प्रोटोटाइप मशीन लगाने की तैयारी की जा रही है, जो छात्रों को कपड़े की रंगाई, पैटर्न डिजाइन, बनावट सुधार जैसे कार्यों में प्रशिक्षण देगी। अब बात करेंगे एक ऐतिहासिक क्रिकेट मैच की, जो आज ही के दिन यानी कि 13 नवंबर 2014 को हुआ था। वो मैच जिसमें भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड बना जो आज तक टूट नहीं पाया है। ये था भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का 4th मुकाबला, जो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने उस दिन जो कारनामा किया, वह क्रिकेट जगत में एक यादगार पल बन गया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और फिर जो हुआ वे पूरी दुनिया ने देखा। रोहित शर्मा ने मात्र 173 गेंदों पर 264 रन की तूफानी पारी खेली। उनकी इस पारी में 33 चौके और 9 छक्के शामिल थे। ये रन चेस्टरफील्ड के मैदान में उस वक्त को लेकर एक ऐतिहासिक आंकड़ा बन गया और उन्होंने अपनी पारी के दौरान कई रिकॉर्ड्स भी तोड़े। रोहित शर्मा की ये पारी आज तक वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है, जिसे तोड़ पाना मुश्किल है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, ज्योति कुमारी, राजेश सहनी, संजीव कुमार, छोटू रजा, मोहम्मद साजिद अंसारी, दिलीप मिस्त्री, पवन कुमार, राजेश माझी, चंदू, प्रकाश कुमार, नौसाद रजा, सानवी गुप्ता, रवि मोहन वर्मा, कल्पना सिंह, राकेश मिश्रा, अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी, नूरुल होदा, कामेश्वर सिंह, आयुष रैना, मोहम्मद साकिर हुसैन, नासरीन परवीन, राम पूजन शर्मा, नीलम कुमारी, गोनर शर्मा, मुन्ना प्रसाद, जितेंद्र ठाकुर, रवि शंकर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर, और आज का सवाल है, क्या आपके इलाके में स्थानीय प्रशासन या सरकारी संस्थाओं की तरफ से वृक्षारोपण किए गए हैं?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।